सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त टीके कैश तरुण के साथ आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आज की सुबह की अपडेट है जो कि आप सुबह ही आई है। तो एक चीज़ के बारे में तो मैंने आपको बता दी कि मैन सप्लाई लिमिट्स टेक इफेक्ट ऑन मार्च 1। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया सारी डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरे ऊपर आई बटन पे भी दिख जाएगा आपको, ठीक है गाइस। सो आज मैं इस चीज़ के व्हाइट पेपर के बारे में बात करता चाहूँगा कि दिसंबर व्हाइट पेपर क्या है, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने क्या क्या, तो देख सकते हैं यहाँ पर, क्लिक करूँगा मैं इसके ऊपर तो देख सकते हो ये दिसंबर व्हाइट पेपर क्या है कि न्यू व्हाइट पेपर चैप्टर, ठीक है, दिसंबर 2021, ठीक है। तो देख सकते हो हम लिखा ब्लू इन द न्यू ड्राफ्ट द पाई सप्लाई एंड माइनिंग सेक्शन ऑफ अवर व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर के अंदर उन्होंने पाई की सप्लाई और माइनिंग सेक्शन को डिस्कस किया है और देख सकते हो यहाँ पे रोड मैप वगैरह दिए गए हैं। तो टोटल, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, टोकन मॉडल एंड माइनिंग। सो ये चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, इसका मैं बताऊँ तो वेल थॉट आउट साउंड टोकन डिजाइन इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। इट हैज़ दी पोटेंशियल टू क्रिएट इंसेंटिव टू बूस्ट क्राफ्ट नेटवर्क फ्रॉम मिशन ऑफ ग्रोथ। ये काफ़ी चीज़ ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। टोकन दिए गए मॉडल माइनिंग के, और पाई सप्लाई कितनी सप्लाई है इसके बारे में इसको डिस्कस किया होगा। इसका मैं पूरा तो आपको बता नहीं सकता गाइस, बस ये सारी चीज़ आप बता सकते हो। इसमें आप चीज़ों को देख सकते हो, कि पाई नेटवर्क विज़न में उन्होंने बताया था जो मैंने आपको पहले एक वीडियो बना रखी थी। तो पाई नेटवर्क विज़न के अंदर देख सकते हो, टू बिल्ड द मोस्ट इंक्लूसिव पीयर टू पीयर इकोनॉमी एंड ऑनलाइन एक्सपीरियंस फ्यूल्ड बाय पाई। तो पाई सप्लाई का मतलब यही था, उन्होंने पाई नेटवर्क विज़न में बताया गया था कि जो पाई नेटवर्क को ये ऐसा बनाना चाहते थे जिसके अंदर पाई से पाई इकोनॉमी ग्रोथ हो, ठीक है, और हर चीज़ को मतलब पाई के जरिए ही, जैसे पाई से कुछ खरीदना हो, बेचना हो, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी पाई सप्लाई में। और प्री मैनेज सप्लाई इंडिया लिस्टेड द फोकस ऑफ पाई नेटवर्क वाज ऑन ग्रोइंग एंड सिक्योरिंग द नेटवर्क, ठीक है। ये सिक्योर कर रही है हमारा पाई ने प्री प्री नेटवर्क प्री मैनेज सप्लाई। और यहाँ पे मैनेज की सप्लाई देख लो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बड़ी डिटेल्स हैं इसमें। 100 बिलियन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि देख सकते हो यहाँ पे कि पेनियर्स एंड एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एक्टिविटीज इन द फ्यूचर। द मेन सप्लाई मॉडल हैज़ अ क्लियर मैक्सिमम टोटल सप्लाई ऑफ 100 बिलियन पाई, अलाउइंग इंसेंटिविजाइजेशन ऑफ कंटिन्यूड ग्रोथ एंड न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन वाइल रिमूविंग द कंसर्न अबाउट द इनप्रेडिक्टेबल ऑफ द सप्लाई। तो सप्लाई देख सकते हो यहाँ पे 100 बिलियन ऑफ पाई की सप्लाई, और डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देख सकते हो किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके वजह से हमें पता लगता है कि हमारी प्राइस हमारा आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। और 14 मार्च व्हाइट पेपर द पाई कम्युनिटी एक 2019 में 14 मार्च में पाई कम्युनिटी हैज़ 80% पाई क्या थी कम्युनिटी के 80%। यहाँ पे देख सकते हो पाई टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिया गया है, इन्होंने 80% जो है कम्युनिटी को दिया जाएगा और 20% अपनी कोर टीम को ये रखेंगे, ठीक है। और देख सकते हो हमें टीम है जो सप्लाई रिगार्डलेस द टोटल मैक्सिमम सप्लाई देख सकते हो हमें लिखा हुआ था 10 गिवन सप्लाई देख सकते हो यहाँ पे 10 गिवन आ टोटल मैक्सिमम सप्लाई ऑफ 100 बिलियन पाई। द कम्युनिटी विल बी इवेंचुअली रिसीव्ड 80 बिलियन पाई, ठीक है। सो देख सकते हो 100 बिलियन तो पाई टोटल सप्लाई है इनकी, ठीक है, लेकिन 80 बिलियन ये हमें देंगे कम्युनिटी के लिए और 20 बिलियन रखेंगे अपनी कोर टीम के लिए जो कि रिसीव करी जाएगी, ठीक है। और ये एक तरीके से पाई चार्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से, देख सकते हो आप पाई में कि 80% हमारा ये और 20% ये, ठीक है, टोकन। सो ये सब चीज़ें देख सकते हो, कम्युनिटी एलोकेट्स प्री मैनेज माइनिंग रिवार्ड्स में देख सकते हो 80% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 80 बिलियन पाई टोटल कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो 20 बिलियन पाई अप्रॉक्सीमेटली प्री मैनेज माइनिंग रिवार्ड, ठीक है, फिर मैनेज माइनिंग रिवार्ड में 45 बिलियन पाई, फिर लिक्विडिटी पूल रिजर्व में 5 बिलियन पाई, और फाउंडेशन रिजर्व जैसे ग्रांट्स कम्युनिटी हो गई, इस तरीके से 10 बिलियन पाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए, ठीक है। पाई डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी हो गई, ये एक वाइट पेपर चार्ट है, ठीक है। और देखो पाई माइनिंग मैकेनिज्म देख सकते हो, इसमें अलाव पाइनिंग रिवार्ड, ये बहुत सी चीज़ें हैं भाई इसके अंदर। प्री मैनेज फॉर्मूला भी है, ठीक है, एंगेज वैल्यू ऑफ बी इन पाई पर आवर, ठीक है, बिटकॉइन की वैल्यू नहीं, बिटकॉइन की नहीं है तो ऐसे ही दिखा रहा है। सारा कुछ इसके अंदर दे रखा है आप भाई, इतना बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी डिटेल है, इसको पूरी तरीके से समझा नहीं सकता ना मैं। थोड़ा बहुत डिटेल, जो मेन डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अभी बाकी तो फेज तो चल ही रहा, आपको फेज 3 चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको देख सकने को, जो मेन थी वो चीज़ें बता दी मैंने, व्हाइट पेपर चार्ट पे क्या था, न्यू व्हाइट पेपर चार्ट पे सप्लाई उसकी कितनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा पाई को, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना गाइस, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस आपको मिल जाए। सो और मैं कहूँगा कि आप भाई डेली माइनिंग करिए, एक भी दिन मिस मत करिए, डेली माइनिंग करना है आपको। सो माइनिंग करते रहिए। सो गाइस थैंक यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय।